हाय गाइस, आज सुबह से मेरा दिन बड़ा अच्छा जा रहा है। उसका रीज़न कुछ ये है क्योंकि कॉलेज पूरा हो जाता है, आप अपने दोस्तों से मिल नहीं पाते हो, सब बिज़ी हो जाते हैं अपनी लाइफ में, जॉब में, लोगों की शादी हो जाती है। बट स्टिल कुछ दोस्त ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में जिनसे आप टच में रहना चाहते हो और एक अलग ही वाइब होती है जो मैच करती है आपके बीच में। तो भाई, लॉकडाउन के इतने दिनों बाद और कोरोना के बीच में मेरे से मिलने आया है मेरा बैचमेट मोहित। अरे यार, मुस्कान दिखा रहा भाई अपनी, इनकी स्माइल बहुत प्यारी है मेरे दोस्त की, देखो तो। हेलो दोस्तों। तो ये मेरे साथ मेरे बैच में था और हम पांच दोस्त हैं, मैं उनसे जल्दी मिलवाऊंगा, वो वीडियो जल्दी आएगी, बट फिलहाल आप उनमें से एक से मिलिए, ये मेरा जिगरी है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत गर्मी है, देखो मुस्कान एकदम मस्त। ये है मोहित राजपूत। मोहित राजपूत, तो मिलिए मोहित राजपूत जी से। भाई मूंछ खड़ी कर दो राजपूत जी, ये क्या बात है। तो भाई पांच दोस्तों में से, पांच सखों में से एक तो है मोहित राजपूत, बाकियों के नाम ले लेते हैं बुरा मान जाएंगे कभी। एक है प्रज्वल, शोभित, विपुल, मैं और भाई साहब। हम पांच का ग्रुप ऐसा था जो यानी कि फेमस हो गया था कि इन बंदों को कोई अलग नहीं कर सकता, और जहाँ रहना है साथ रहना है, ऑलमोस्ट सारे चीज़ें भी साथ करते थे, कैंटीन जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं। बाकी थोड़ा बहुत मोहित बताएगा हमें। जिस दिन से कॉलेज स्टार्ट हुआ है लगभग उसी दिन से हम अभी तक हैं साथ में, और बिल्कुल आगे भी रहेंगे, आगे और रहेंगे। ऐसे ही होना चाहिए सबको। अगर आप दोस्त बनाओ तो चाहे थोड़े बनाओ लेकिन अच्छे बनाओ जो और हमेशा आपके साथ। मिला था उसकी तो हल भाई, एक मैं मिलवाऊंगा आपसे वो बंदा, आप मैं बता सकता हूँ आपको मिला नहीं होगा ऐसे लाइफ में कोई इंसान। हमारे शोभित साहब बहुत ही ज़बरदस्त हैं, आप जब मिलोगे आप समझ जाओगे, मतलब बड़े भैया जी हैं वो हमारे। हाँ, हमारे बड़े भैया जी, चरण स्पर्श अगर आप वीडियो देख रहे हो, हमारे बड़े भैया जी। और भाई एक हमारे हैं जिम बॉय प्रज्वल जी, जिनको देख के विपुल जी भी बड़े इन्फ्लुएंस हुए थे और अब शायद उनसे आगे निकल गए हैं। अभी तो नहीं निकले पर कोशिश में पूरे, कोशिश में आगे निकल गए, कोशिश में पूरे हो गए हैं। खाने पीने में भी सबको पछाड़ दिया है, पूरी पर्सनालिटी बदल गई है। कहते यही अभी तक, एक दिन पीछे करेंगे जरूर। हाँ ये तो है, एप्स निकालने लड़के को पूरा ठान के बैठा है। बाकी मेरे ख्याल से हम प्रज्वल के थ्रू मिला था ना। हाँ तो प्रज्वल और मैं तुझे एक साथ ही मतलब मिले थे। प्रज्वल और मोहित एक ही स्कूल में पढ़े थे और दोनों एक ही साथ कॉलेज में एंटर हुए थे, मैं दोनों से एक ही साथ मिला था। जब हमारा फर्स्ट डे था सुबह सुबह हम डीएम की लैब ढूंढ रहे थे। हाँ, उस समय हम दोनों की, हम तीनों की एक साथ मुलाकात हुई थी। हाँ मजा आता है सोच के सब। तो दोस्तों के बारे में तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, फिलहाल मैं बैठता हूँ मोहित के साथ और थोड़ी सी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। ये घर में ही है मम्मी, और मुझसे कह रही थी कि मुझे बोल देना मैं पार्लर गई हुई हूँ और मंदिर। अच्छा, जाना इनको पार्लर था और मंदिर बुलवाना है मुझसे और वीडियो में आना नहीं है। The next day. तो दोस्तों मैं कॉलेज आया हूँ, काम नहीं हो पाया। एक देखो मेरा मुरझाया हुआ दोस्त, ये देखो बहुत परेशान है भाई, दुख में है। तो अभी इनको मैं थोड़ा तन्हाई में छोड़ता हूँ, इनके अलावा ये बैठी है तीन देवियाँ और ये तो मिली लिया अपन से, देख लो देखो देख लो। मैं तो कल मिला ही था आपसे, सुंदर मुस्कान वाले। तो भाई बताइए कुछ अपने बारे में। और कुछ यहाँ क्या कर रहे हो आप सब बैठ के? ऐसे ना, लाइक दैट। चलो लंच हो गया आप सबका, चलो फिर मैं मिलूंगा दोबारा। घर वापस आ गया हूँ, आराम करेंगे अब हम। तो आज का दिन भी ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ और मैं कॉलेज गया था एज़ यूजुअल कुछ काम निपटाने के लिए, और मेरे काम एक बारी में हो जाएं तो बात ही क्या है। एनीवेज, क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि आप कुछ काम करने जाओ और एक बारी में ना हो पाए? प्लीज़ मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। अगर आप मेरे कॉलेज के बारे में या मेरी कॉलेज लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ वीडियोज़ इस वीडियो के साथ ऐड कर दूँगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं।
वो मैंने बहुत पहले बनाई थी वीडियोस, बट दे आर सो नाइस एंड सो मच मेमोरेबल टू मी। और फिलहाल मुझे कुछ मन कर रहा है खाने का, और मेरा मन है कोई फ्रूट खाने का, तो मैं खाऊंगा मैंगो। और उसी के साथ मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा मैंगो को काटने की, जिससे आपको खाने में भी बहुत आसानी होगी और पता भी नहीं चलेगा। चलो चलते हैं। तो भाई ये ट्रिक मैंने इंटरनेट पे देखी थी एंड आई फाउंड इट सो कूल, आई होप आपको भी पसंद आएगी। मतलब इट्स सो इजी और पता भी नहीं चलता। ये था वो तरीका, अपना बाउल की तरह ये बन जाता है। एंड स्कूप लीजिए। अकेले अकेले? अच्छा मैं भी। ये लो, क्या स्टाइल है काटने की। बाकी आप अगर चाहो तो इसका आप भी लीजिए। ये घुटने को मत निकालिए, उसके बाद आइसक्रीम स्टिक की तरह भी खा सकते हैं। बाय बाय, एंजॉय योर मैंगो। थैंक यू, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये स्टाइल।